दिनांक 16 नवंबर को ग्राम शाहपुर के पवित्र नगरी में धार्मिक अनुष्ठान श्री भागवत कथा का प्रारंभ जुगलाल प्रजापति के द्वारा अपने पितरों को समर्पित कर इस अनुष्ठान को किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज मंगलमय कलश यात्रा गंतव्य स्थान से माचना नदी के तट पर पवित्र नदी का जल भरकर गंतव्य स्थान पहुंचकर भागवत जी की स्थापना और मंगलमय कलश को विराजित किया जाएगा। पंडित अखिलेश परसाई के अनुसार बताया गया कि आज विद्युत ब्राह्मणों के द्वारा पूजन अर्चन कर भागवत जी की स्थापना करके धार्मिक नगरी शाहपुर ग्राम में भागवत कथा का आरंभ होगा एवं उनके द्वारा आज पूजन अर्चन करके महत्तम जी की कथा का वाचन कार्य किया जाएगा एवं 7 दिनों तक रोज प्रतिदिन कथा वाचन किया जाएगा एवं उनके द्वारा सभी लोगों से अनुरोध किया गया है कि इस भागवत कथा को सुनने कर बोलने लाभ प्राप्त करें। शाहपुर से संजय जगताप की रिपोर्ट। हाँ पंडित जी, क्या नहीं, आज आप तो जो बहुत बड़ी भागवत कथा शाहपुर ग्राम में जुगल प्रजापति के माध्यम से करने जा रहे हैं गणेश चौक पर, इसके बारे में क्या जानकारी दीजिए। देखिए, आज से हमारे शाहपुर ग्राम में प्रजापति परिवार के द्वारा भगवान की श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन रखा गया है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं आज भगवान की मंगलमय कलश यात्रा के प्रारंभ से और इस कथा का शुभारंभ होता है। तो आज हमने मंगलमय इस कलश यात्रा को निकाला है और आप देख रहे हैं निकल रही है। यहाँ से कलश यात्रा अपने गंतव्य स्थान को व्यासपीठ के समीप जा कर के भागवत जी विराजमान होकर के और विद्वत ब्राह्मणों द्वारा कर्मकांड के सभी कार्यों को संपादित करते हुए पुनः भगवान के फिर कथा का जो प्रवचनात्मक कथा है उसका हम प्रारंभ करेंगे। आज प्रथम दिवस है, इसलिए भगवान की इस कथा में महात्म्य की कथा, जिसमें आत्मदेव और धुंधकारी आदि की कथा, साथ में भगवान सुखदेव जी महाराज के आगमन तक की जो कथा है प्रथम स्कंद तक की, उस कथा का आप लोग सभी भक्ता श्रोता इसका श्रवण करेंगे। और सबसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि ये इस कथा जो है 7 दिन तक हमारे इस ग्राम में बहने वाली है इस गंगा में, सभी से निवेदन है कि सभी आकर के स्नान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बस यही निवेदन, यही आग्रह करता हूँ। ये माचना नदी पे क्या कर रहे हैं पंडित जी? ये अभी जो हम लोग आए हैं, ये घर से कलश यात्रा का जो एक प्रारंभ होता है कथा का, उसके माध्यम से वहाँ से कलश भरते हुए और यहाँ आकर के पुनः गंगा में गंगा को उस कलश में स्थापित करते हुए और इस कलश यात्रा को फिर वापस अपने व्यासपीठ तक ले जाना है। आपका शुभ नाम पंडित? पंडित अखिलेश परसाई, शाहपुर। धन्यवाद पंडित, जय श्री राधे।